Welcome students, NCERT online class. I am Mithun Sarkar and I always come these types of educational video related to your subject. So stay with your teacher. Student, last class I discussed types of software, that means system software, application softwares and their types. Okay, that is part 1 and today is part 2 class from same topic, types of software. And I written here, students, what is system software with answer. Now I will discuss with Hindi. Note down with me and you remember, listen properly what I say, because always remember one thing, student, listening is very important for remembering. Okay, so what is system software? System software kya hai? System software is a set of programs to control and manage the operations of a computer hardware. System software is program different program ka set hai, jaise a bundle of books is jaisa ye set hai jo control wo manage karta hai kisko, computer jo hardware hai uska jo operation hai usko manage karte hai. Jaise कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या क्या है, मैंने इसके ऊपर भी एक क्लास बहुत पहले ले चुका हूँ, तुम उसको भी देख सकते हो. जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, ये सब को कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं. दैट्स कैन बी सीन एंड वी कैन टच. ओके, इट इज जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर. ये जो सॉफ्टवेयर है ये जनरल पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है. सिस्टम सॉफ्टवेयर इज एसेंशियल फॉर ए कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली. सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम वो सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम अच्छे से नहीं कर सकते. तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर ए कंप्यूटर टू वर्क प्रॉपरली. दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दे आर रिलेटेड डिफरेंट सॉफ्टवेयर. ओके, सो लेट्स राइट द क्वेश्चन. I hope students, you all of you note down this part so I can wrap. Okay, and don't worry if you can't note down properly with me, you can pause it again and again. So now we can write types of system software. Types of system software. Last class में मैंने types of system software तो main part है वो मैंने लिखाया था, discuss किए थे. आज उसके अंदर जो software होता है वो हम लिखाने वाला है, तो ये भी important है. तो एक नंबर में हम लिख इस तरह से हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि पहले क्लास में तुम देख लिया. एक नंबर में हम लिख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम पहले भी लिख चुका हूं, इसके अंदर क्या क्या आ सकता है. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, अच्छा इसको ए करो और इसको बी करो, लिनियक्स, ये सब, ये तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है और लिनियक्स है, ये है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, देन नंबर टू में लिखो यूटिलिटी प्रोग्राम्स. यूटिलिटी प्रोग्राम्स के अंदर क्या क्या आता है, एंटीवायरस, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या क्या हो सकते हैं, जैसे
कैस्परस्की होता है, देन तुम्हारा K7 होता है, तो हम लोग K7 लिख सकते हैं। देन नॉर्टन होता है, देन क्विक हिल, अच्छा चलो ये दोनों ही लिखते हैं, कैस्परस्की, देन क्विक हिल, देन एवास्ट, एवास्ट भी लिख सकते हो, ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। देन दो नंबर में तुम क्या लिख सकते हो, फाइल कंप्रेशन, कंप्रेशन जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स है इसके अंदर ये सब ये दोनों आता है। ठीक है, नंबर थ्री पे लिखो डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स, डिवाइस ड्राइवर्स के अंदर क्या क्या आ सकता है, मॉनिटर ड्राइवर, देखो जो मॉनिटर है उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर का जरूरत होता है, मॉनिटर ड्राइवर, मॉनिटर ड्राइवर के जैसा प्रिंटर को चलाने के लिए भी एक ड्राइवर का जरूरत होता है, यह कार्ड ड्राइवर जैसा नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये सिर्फ प्रिंटर नहीं, जो स्कैनर है, जो तुम्हारा और भी जैसे ब्लूटूथ डिवाइस होता है, ये सबको चलाने के लिए एक ड्राइवर का जरूरत है, तो ये डिवाइस ड्राइवर एक पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। देन नंबर फोर भी है कंपाइलर्स, उसमें हम लोग लिख सकते हैं फोरट्रान फॉर पीसी। ओके, तो चलो उसको भी इधर लिख लेते हैं, नंबर फोर कंपाइलर्स, कंपाइलर्स फोरट्रान, फोरट्रान फॉर पीसी, पीसी मीन्स कंप्यूटर, ये फोरट्रान एक सॉफ्टवेयर है जो कंपाइलर्स डिफरेंस फाइल को कंपाइल करते हैं। ठीक है, और अगर तुम एप्पल का एप्पल का कुछ इस्तेमाल करते हो तो वो अलग होता है, तो इसको भी लिख लेते हैं, उसको कहते हैं मैकिंटोस फॉर एप्पल डिवाइस। ओके, एप्पल एक बड़ा सा कंपनी है, मैकिंटोस ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर ऑल अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड देयर टाइप्स विथ डिफरेंट सॉफ्टवेयर। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू नोट डाउन प्रॉपरली एंड दिस इज हेल्पफुल फॉर योर स्टडी। ओके, सो इफ यू लाइक दिस क्लास यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर क्लास। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।